Nation Wants to Know with Arnab Goswami. Presented by Reliance Jio. Powered by the new Volkswagen Passat. Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance. Ravin and Kent Aro. This is the interview that many of you have been waiting for. My guest today on this special edition of The Nation Wants to Know is the President of the Bharatiya Janata Party, Mr. Amit Shah. This is a fantastic opportunity to speak to him on a number of issues when there have been controversies and challenges facing the BJP. This interview is also significant because it's happening towards the last phase of campaigning in Karnataka, where they say his own personal prestige is very much at stake, not just the BJP's. And it's also the beginning of the one-year run-up, which we will be getting into soon for the 2019 general elections. Mr. Amit Shah, bahut bahut dhanyavad. Thank you very much. Thank you. Pichli baar hum mile the Gujarat mein. Aap campaigning ke bilkul beech mein the. Aur pichle char mahinon mein, Gujarat ke elections ke baad, itni conflict badh gayi hai politics mein, garmahat badh gayi hai. There's been a lot of negativity, kai sare burning issues hai. और इसका जो एग्जाम्पल है, सबसे रीसेंट एग्जाम्पल है, वो है जो ये इम्पीचमेंट मोशन कांग्रेस पार्टी ने फाइल की है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ. सो मिस्टर अमित शाह, मेरा पहला सवाल आपसे है, नंबर्स नहीं है ऑपोजिशन के पास इम्पीचमेंट मोशन को पारित करने के लिए, फिर उन्होंने क्यों किया, इसके बिहाइंड व्हाट इज द रीजन एंड व्हाट इज योर रिस्पॉन्स? देखिए, मैं इसमें बहुत डिटेल में जाना नहीं चाहता हूँ, मगर आप जैसे स्टडी करने वाले जर्नलिस्ट को आश्चर्य हो रहा है, इसका मुझे आश्चर्य है. ये कांग्रेस का मूल स्वभाव है. इंदिरा जी के ज़माने से कांग्रेस कमिटेड जुडिशियरी में विश्वास करती है. जब इंदिरा जी इमरजेंसी लाई, उसके पहले उन्होंने दो जजों को बाईपास कर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया, और उस वक्त दो जजों ने, जो सीनियर जजिस थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था. इसके पीछे भी मकसद कमिटेड जुडिशरी का था. आज ऑब्वियस ओपोजिशन में रहते हुए भी वो कमिटेड जुडिशरी चाहते हैं, मगर वो हो इसलिए नहीं सकता क्योंकि हमारा जुडिशरी और संविधान में विश्वास और आस्था दृढ़ है, हम ऐसा होने नहीं देंगे. दूसरी बात, केशवानंद भारती जजमेंट, वो कांग्रेस की सरकार के कारण ही लाना पड़ा, क्योंकि संविधान की मूल भावनाओं को वो हिलाना चाहते थे, और जुडिशरी ने स्टेप इन किया था, 9 जज बेंच बनी थी और कुछ फंडामेंटल्स तय किए गए जी. तो ये कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं, जब भी मौका मिलता है ये प्रयास करती है. और ऑन द टाइमिंग ऑफ दिस, ये जो इम्पीचमेंट मूव है, इट कम्स वन डे आफ्टर द जज लोया. अगर मैसेज भेजना है तो ऐसा ही टाइमिंग चूज करना पड़ेगा. नहीं, मगर जज लोया केस पर सवाल पूछ लेता हूँ. गुजरात इलेक्शन के 3 हफ्ते पहले ये केस निकली थी और इसको पॉलिटिकली कांग्रेस पार्टी ने यूज किया था. वर्डिक्ट टॉप कोर्ट से आई है. मैं डायरेक्टली आपको पूछूंगा अमित शाह जी, सब लोग कहते हैं कि इसके टारगेट, यू आर द टारगेट ऑफ द लॉबी. देर इज अ लीगल लॉबी, अरुण जेटली ने उनको कहा है डिसरप्शनिस्ट लॉबी. देर इज अ लॉबी दैट इज टारगेटिंग यू इन द जज लोया केस, एंड द इम्पीचमेंट मोशन इज अ रिस्पॉन्स टू दैट. व्हाट इज योर व्यू ऑन द जज लोया केस, द वर्डिक्ट यस्टरडे एंड द इम्पीचमेंट मोशन? देखिए, जज लोया केस पहले भी हम कहते थे बेसलेस है, मगर एलिगेशन लगाए गए, देश की सर्वोच्च अदालत में गया, देश की सर्वोच्च अदालत ने कम से कम 10 दिन तक इसकी सुनवाई की, आउट ऑफ वे जाकर एलिगेशन जुडिशरी पे भी लगाए गए, सरकारों पे भी लगाए गए, पर्सनली मेरे पर भी लगाए गए. आफ्टर ऑल 3 जज की बेंच ने ये निर्णय दिया है. मैं मानता हूँ देश की संवैधानिक व्यवस्था में किसी भी बिंदु को अंतिम तो मानना पड़ेगा, या मैं जो कह रहा हूं वही सही है, इस प्रकार से हम देश चलाना चाहते हैं? अब तो माना नहीं जा रहा है. माना नहीं जा रहा है तो देश की जनता देख रही है ना. जनतंत्र में सबसे ऊपर देश की जनता होती है, और कुछ छिपा नहीं है अर्णव बाबू, ये सारी चीजें जनता बहुत अच्छे तरीके से देख रही है. एक गलत आरोप लगाते हो, पहले एक आर्टिकल लिखवा दिया, बाद में स्पॉन्सर्ड PIL होती है, आरोप लगते हैं, इसके आधार पर जज को बदलने का दबाव बनाया जाता है, बड़ी बेंच बनती है, बड़ी बेंच सुनवाई करती है. अब बड़ी बेंच ने भी जजमेंट दे देने के बाद अगर आप इसको नहीं मानते हो तो फिर न्यायालय को कांग्रेस कार्यालय में ही बिठाना है क्या?
जुडिशरी के फैसले को सम्मान करना चाहिए और जुडिशरी के फैसले के खिलाफ अपील की जो प्रोविजन होती है इसको सबका अधिकार है इसके ऊपर अपील करें। पर पॉलिटिकली तो आप टारगेट हैं, अभी की बात नहीं है। आपको अगर आप इफ वन लुक्स एट इट, अमित शाह जी, लेट अस बी वेरी फ्रैंक, फ्रॉम द सोहराबुद्दीन केस टू द इशरत जहान केस, और इशरत जहान में इशरत जहान के टेरर लिंक्स को दबाया गया, उस पर भी खुलासे हुए, रिपोर्ट्स केम आउट, इशरत जहान केस, सोहराबुद्दीन केस एंड द लोया केस, द कॉमन फैक्टर इन ऑल द थ्री केसेस इज यू। मगर यू आर द कॉमन फैक्टर इन ऑल द थ्री, तीनों जगह पर लीगल और इन्वेस्टिगेशन स्क्रूटनी के बाद मैं साफ निकला हूं। मैं तो रिसीविंग साइड पर हूं अर्णव जी, ये सवाल आपको राहुल गांधी और उनकी पार्टी को पूछना है कि भैया ऐसा क्यों करते हो। राजनीतिक अखाड़े की लड़ाई जनता के बीच में लड़िए, चुनाव में लड़िए, चुनाव में हार जीत जनता तय करती है, कोई व्यक्ति या कोई पार्टी नहीं कर सकती। सब नेता और पार्टियां अपनी बात रखते हैं, इसके बाद में जनता चुनाव जिताती है, जनता चुनाव हराती है। अगर इसको इसी तरह से डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट और पीआईएल्स के माध्यम से अगर आप करना चाहते हो तो मैं तो रिसीविंग एंड पर हूं, मगर मेरी आज भी ये तीनों केस आपकी बात सही है, मुझे टारगेट कर करे गए, परंतु मैं आज भी संविधान और न्यायिक व्यवस्था में श्रद्धा रखने वाला। व्हाई आर यू द टारगेट? इज इट बिकॉज इफ अमित शाह नरेंद्र मोदी कॉम्बिनेशन इज वीकेंड बिफोर द 2019 इलेक्शंस, दैट कैन चेंज द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स? ये जवाब मेरे पास से नहीं मिल सकता क्योंकि मैंने कांग्रेस से जाना नहीं है। कारण वो षड्यंत्र कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं वो आपको पूछना चाहिए उनको। अमित शाह जी, भगुआ टेररिज्म और सैफरन टेररिज्म के इशू पर लेट्स टॉक अबाउट इट, इट हैज बीन अ सब्जेक्ट दैट यू हैव बीन वेरी वोकल अबाउट। मैं पहले शुरू करना चाहता हूं कर्नल पुरोहित केस के साथ। हमारे पास रिपब्लिक टीवी पर एक ऐसी डॉक्यूमेंट आई है, आर्मी की डॉक्यूमेंट, जिससे प्रूफ है कि प्रूफ कांग्रेस सरकार के पास थी 2008 से लेकर 2014 तक, उनके पास प्रूफ थी कि कर्नल पुरोहित वॉज ऑपरेटिंग अ सोर्स नेटवर्क, वो अपना काम कर रहे थे, इंफॉर्मेशन दे रहे थे। इसके बावजूद उनको अरेस्ट किया गया, उनके खिलाफ केस कर किया गया और 10 साल जेल में रहे। व्हाई डू यू थिंक दैट हैपेंड? देखिए, अब स्पष्ट हो चुका है मक्का मस्जिद केस के फैसले के बाद कि भगवा टेरर ये वोट बैंक कंसोलिडेशन का एक के लिए किया गया एक षड्यंत्र था, ये स्पष्ट हो चुका है। और चाहे कोई भी केस हो, अगर इस तरह से करते हैं, मैं इतना ही पूछना चाहता हूं बाबू कि मक्का मस्जिद में सारे लोग निर्दोष छूट गए जी, किसी के खिलाफ कोर्ट को एविडेंस नहीं मिला, तो जो पहले पकड़े गए थे वो लोगों को किसने छोड़ा और छोड़ने वाले का को क्या अधिकार है? भगवा टेरर के नाम से इस देश की संस्कृति को बदनाम करने का, इस देश को बदनाम करने का जघन्य पाप कांग्रेस सरकार ने किया है। हिंदू टेरर ये शब्द हो सकता है? टेररिज्म का कोई धर्म हो सकता है? टेररिज्म किसी संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है? किस प्रकार की मान्यता है? वोट बैंक कंसोलिडेशन के लिए, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए जो करना है वो करिए। हमने कभी टेररिज्म के कोई कलर को व्याख्यायित नहीं किया। मेरी पार्टी टेररिज्म के खिलाफ सबसे टफ लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है, मगर कभी हमने इसको धर्म के साथ नहीं जोड़ा है। और अब ये सिद्ध हो चुका है, भारत सरकार के रिटायर्ड अफसर कहते हैं, जुडिशरी के लोग ने जजमेंट दे दिया और जो फंसे हुए लोग है वो भी कह रहे हैं। पर अमित शाह जी, दिस कैन नॉट रिमेन अ पॉलिटिकल इशू। आप दो तीन नहीं, मैं इसको पॉलिटिकल इशू नहीं मानता अर्णब बाबू, पहले आप सुन लीजिए। ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत गंभीर इश्यू है। जो टॉप मोस्ट जगह पे सत्ता पर बैठे हैं वो सत्ता का अगर इस तरह से मिसयूज करेंगे अपनी वोट बैंक कंसोलिडेशन के लिए, तो देश की सुरक्षा का क्या होगा? नहीं, मैं जो कह रहा था कि मैंने जब कहा इसको पॉलिटिकल नहीं किया जा सकता, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने कर्नाटक के कैंपेन में कई दिन पहले आपने कहा कि राहुल गांधी को हिंदू टेरर थ्योरी के लिए अपोलोजाइज करना चाहिए। हाँ, तो मैंने कहा मेरा व्यू है, मैं आज भी कहता हूं। मगर मेरा व्यू है, और आज अगर आप जितने हमारे दर्शक है उनको पूछे तो वो कहेंगे पॉलिटिकल अपोलॉजी से कुछ नहीं होने वाला, देयर शुड बी एन इन्वेस्टिगेशन इनटू वेदर, जैसे केस है कर्नल पुरोहित के कागज आपके पास थे मगर आपने दबा के उनको हिंदू टेररिस्ट बना दिया, आर्मी ऑफिसर को हिंदू टेररिस्ट बना दिया, फॉल्स केसेस आपने लगाए, आरडीएक्स आपने प्लांट की।
Why doesn't your government, aap BJP ke president ke taur pe aap demand kyun nahi karte that there should be an investigation into not just the politics of Hindu terror, but the planting of cases to build that narrative? Is pe investigation kyun nahi? Aisa hai Arnab ji ki NIA ne ek charge sheet rakha tha. Ye charge sheet court ke samne gaya. Court ko isme kuch proof nahi mile hain. NIA ek swatantra jaanch agency hai. अब जब कोर्ट ने सबको बरी किया है तो एनआईए के लिए भी ये सोचने का कारण बनता है कि किसने बम ब्लास्ट किया बाद में. इन्वेस्टिगेशन तो उनको करना है. मुझे भरोसा है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस पर भी पॉलिटिकल रोल के बावजूद तो नहीं हो सकता. दिस कैन नॉट हैपन विदाउट अ पॉलिटिकल. बिल्कुल हो सकता है. एनआईए को किसी को पूछने की जरूरत नहीं. नहीं किसी को नहीं, मगर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता इसमें. होना तो चाहिए. सवाल ही नहीं है. एनआईए कैन डू एनीथिंग. उनकी दे शुड. Would the BJP want them to? देखिए अभी भी ये केस अपील के स्टेज में है. मैं इस पर कोई ऐसी कमेंट करना नहीं चाहता जैसे जुडिशरी और प्रोसिक्यूशन के काम में हस्तक्षेप. परंतु मैं मानता हूं कि ये सवाल बहुत बड़ा है कि जिन्होंने ब्लास्ट किया वो कहां गए. अक्विटल्स पर सवाल है. ऑपोजिशन ने सवाल उठाए कि सबको बरी कर दिया, सबको छोड़ दिया बीजेपी सरकार ने. असीम आनंद को मक्का मस्जिद ब्लास्ट में उन्होंने छोड़ दिया. माया कोडनानी को गुजरात हाई कोर्ट ने छोड़ दिया, मगर ट्रायल कोर्ट ने कहा कि वो मास्टरमाइंड है नरोडा में जो वायलेंस हुआ उसके. तो वो ये इस बात पर आपको जवाब देना चाहिए अमित शाह जी कि बीजेपी सरकार आने के बाद जो चार्ज है आपके खिलाफ, बीजेपी सरकार आने के खिलाफ एक प्रोसेस ऑफ अक्विटल्स शुरू हो गया. एंड बिफोर द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन ऑलमोस्ट एवरीबडी इज बीन फ्रीड बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बीजेपी. इसमें बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट इसलिए नहीं हो सकता कि ये हाईकोर्ट के जज ने, डिवीजन बेंच ने फैसला लिया है. अभी जो गुजरात में फैसला मायाबेन कोडनानी के केस में हुआ हो और उस पर लंबी तगड़ी बहस हुई है और प्रोसिक्यूशन हम नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई एसआईटी थी. गुजरात सरकार प्रोसिक्यूशन एजेंसी नहीं थी, ना गुजरात सरकार के लॉयर इसमें आर्ग्यूमेंट कर रहे थे. लॉ ऑफिसर भी गुजरात सरकार के नहीं थे. एसआईटी ने अपने खुद के सेपरेट प्रोसिक्यूटर्स तय किए थे. इसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर सकती. मगर आप ऐसा कहना चाहते हो अर्णव जी कि कांग्रेस के समय में अगर गलत चार्जशीट हुई है, किसी को गलत तरीके से फंसाया गया है क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको सजा होनी चाहिए. मैं वो नहीं कह रहा. मैं कह रहा हूँ ऑपोजिशन पूछ रही है कि मगर ऑपोजिशन के पास ढेर सारे एनजीओ उस वक्त भी थे, आज भी है. अपील के दरवाजे सबके लिए खुले हैं भाई. कोर्ट में अपील करने से कौन किसको रोक सकता है. अपील होगी, इस पर निर्णय होगा. मगर आप मुझे ये बताइए कि गलत चार्जशीट है, मानो 2G की चार्जशीट है. मैं उस पे आऊंगा. एक सेकंड में 2G की चार्जशीट में सारे लोग छूट गए. हालांकि वो चार्जशीट कांग्रेस के समय में भी बनी थी, प्रोसिक्यूटर भी हमने तय नहीं किया था, मगर सारे लोग छूट गए. तो अब इसके बारे में कांग्रेस तो उत्सव मना रही थी उस पर. परसेप्शन ये है कि जब बीजेपी ऑपोजिशन में थी तो असीमानंद के खिलाफ केस हुई, जब बीजेपी पावर में आ गई तो असीमानंद के खिलाफ केस खुल गई. कल बीजेपी अगर ऑपोजिशन में जाएंगे तो केसेस रिवर्स हो जाएंगे. क्या इनका कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है? इतना सरल नहीं होता है. एक जुडिशियल ऑर्डर आया है और ढेर सारे गवाहों को सुनने के बाद आया है, ढेर सारे घंटे इन्वेस्ट करने के बाद आया है. इतना सरल नहीं होता है जी. मगर कांग्रेस ने कोई गलत केस किया है तो उस पर कोर्ट, इसलिए क्योंकि अब सरकार चेंज हो गई है, सबको गिल्टी घोषित करेगी. इस तरह से जुडिशियरी नहीं चल सकती. अमित शाह जी, जो बर्निंग इशू है पिछले दो हफ्तों में और सारा देश आपसे इस पर जवाब चाहता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि उन्नाव और कठुआ के केसेस पर बुरा न माने मगर लोगों का परसेप्शन यह है और लोग फील कर रहे थे कि कैजुअल एटीट्यूड थी बीजेपी की, तो इसमें 2-3 सवाल है. पहला सवाल है, इतनी पब्लिक एंगर थी, आप बीजेपी प्रेसिडेंट हैं, आप हर चीज को मॉनिटर करते हैं, आपको हर चीज पर इंफॉर्मेशन है, आप मैक्रो भी देखते हो और माइक्रो भी. तो लोग जब टेप पर कह रहे थे हिंदू यूनिटी होनी चाहिए कठुआ केस पर, तो 10-11 दिन हुए, आपने क्यों स्टेटमेंट नहीं दी? दूसरे बीजेपी के स्पोक्सपर्सन भी थोड़े से they were on the back foot. Why did you take so much time to speak and respond on the Kathua case? मेरा स्टेटमेंट देने का इसलिए प्रश्न नहीं उठता था कि ऑलरेडी सीआईडी क्राइम ने चार्जशीट दायर कर दिया था. अब बार एसोसिएशन
स्ट्राइक पर गया वहां पर, आप पूरा घटनाक्रम पहले समझिए। चार्जशीट तो जम्मू कश्मीर सरकार ने कोर्ट में दायर कर दी, बार एसोसिएशन स्ट्राइक पर गया और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद के चुनाव एजेंट थे। इसमें बीजेपी कहां आती है जी? बीजेपी लीडर्स भी लिंक्ड थे? बीजेपी लीडर जरा भी लिंक नहीं थे। जब शुरुआत में गांव में हो हल्ला हुआ कि कुछ निर्दोष लोगों को फंसाया गया है, वो लोग गांव में गए थे, उन्होंने कहा न्यूट्रल जांच होनी चाहिए, तो वो क्या करेंगे, क्या कहेंगे और क्या कहेंगे? इन्होंने कभी नहीं कहा कि किसी को छोड़ दो, इन्होंने कभी नहीं कहा कि किसी को अरेस्ट मत करो, इन्होंने कहा न्यूट्रल जांच होनी चाहिए। जांच सीआईडी क्राइम को दे दी गई। फिर भी हमने पब्लिक का एक परसेप्शन बना, मीडिया ने इस मामले को उठाया, पब्लिक का एक परसेप्शन बना, हमने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन कर हमारे लीडर्स ने इस्तीफा दिया है। आप 3 दिन पहले नहीं कर सकते थे? मगर मुझे एक बात बताइए अर्णव जी कि इसमें हमारे लीडर का रोल क्या है? ये रैप के केस में इन्वॉल्व है क्या? उन्होंने किसी को बचाने का प्रयास किया? ऐसा आरोप भी नहीं है। उन्होंने इंटरफेयर किया, इंटरफेयर उन्होंने पब्लिक रैली हिंदू एकता मंच के साथ मिलकर इन्होंने गांव के अंदर जो लोग इकट्ठा होते उनको जाकर इतना आश्वस्त किया कि भाई न्यायिक जांच होगी और उसके बाद सीआईडी क्राइम जांच कर रही थी। मगर एक बात अमित शाह जी, क्या आपको नहीं लगता इतने सेंसिटिव केसेस में पॉलिटिशियंस को इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए? दे शुड बी आउट ऑफ इट, क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हो गई तो प्रेशर अलग तरह से बनता है इन्वेस्टिगेशन। कोई इन्वॉल्व, पहले आप समझ लीजिए इन्वॉल्वमेंट की व्याख्या क्या है। इन्वॉल्वमेंट की व्याख्या है उन्होंने थानेदार को फोन किया, उन्होंने प्रोसिक्यूशन एजेंसी को फोन किया, इन्होंने पुलिस को फोन किया, इन्होंने किसी को फोन नहीं किया। सीआईडी क्राइम के पास जांच गई, बाद में सब ने कहा कि जांच असेंबली के अंदर रिजोल्व हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे ये दोनों नेताओं ने भी उसके पक्ष में वोट दिया। उसके बाद में सीआईडी क्राइम की एक मिनट क्रोनोलॉजी आप पूरा समझिए। सीआईडी क्राइम की जांच हुई, सीआईडी क्राइम की जांच होने के बाद चार्जशीट बनी, चार्जशीट कोर्ट में गई, लॉयर्स ने हड़ताल करी, इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां आती है? इसमें क्या है जो मेरा सेंस है और वो आपसे डिफर कर सकता है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कंपेटिटिव पॉलिटिक्स हो रही थी हिंदू एकता मंच को सपोर्ट करने के लिए, और इसलिए इस कंपेटिटिव पॉलिटिक्स में एक तरह से हाहाकार बन गई थी। मगर अर्णव भाई मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, ये कब हुआ था? जब घटना हुई उसके इमीजिएट बाद हुआ जी, इमीजिएट बाद हुआ। जैसे ही केस सीआईडी क्राइम को ट्रांसफर हो गया, कोई बवाल नहीं थी, सीआईडी क्राइम ने अपनी जांच कर चार्जशीट रखी है। मैं ये क्यों पूछ रहा हूं आपको, अब उन्नाव के केस पर अमित शाह जी, आपके साथ जो लोग काम करते हैं वो देखते हैं कि आप क्विक डिसीजंस लेते हैं, इमीडिएटली, यू डोंट कीप अ फाइल पेंडिंग। क्या जो योगी आदित्यनाथ ने किया वो ठीक था? सवाल बहुत डायरेक्ट है। उन्नाव के केस पर एक माइनर लड़की का रेप हुआ, उन्होंने आपके एमएलए का नाम लिया, कुलदीप सिंह सेंगर का। उनकी लड़की की फैमिली कहती है कि एक भी पुलिसमैन ने एफआईआर फाइल नहीं की उस समय, तो क्या आपने प्रेशर डाला उस समय, क्या हुआ, और योगी आदित्यनाथ ने भी इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं किया? रेट्रोस्पेक्ट में आपको क्या लगता है? जैसे ही केस संज्ञान में आया उसके दूसरे दिन रात को ही योगी जी ने निर्णय कर दिया था कि इसकी सीबीआई जांच हो, कितनी भी जांच करते उनको उलझाने के लिए जिस प्रकार का प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिक्स होती थी वो उनको उलझाती। उन्होंने उसी दिन रात को निर्णय कर दिया था कि सीबीआई को जांच देनी चाहिए। सीबीआई को पत्र दूसरे दिन सुबह 10:30 बजे चला गया, सीबीआई ने 4 घंटे में केस टेक ओवर किया और रात को अरेस्ट करी। 2 दिन पहले हो सकती थी? दो दिन पहले, मगर कोई भी चीज आती है उसका सीनियर ऑफिसरों को भेजकर उन्होंने जिस दिन विवाद शुरू हुआ उसी दिन एडिशनल डीजी की अध्यक्षता में उन्होंने एसआईटी बनाई। एसआईटी ने एक प्राथमिक रिपोर्ट दी, प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने तय किया कि सीबीआई को जांच दे दी जाए। मगर अर्णव जी, आप लोगों को 24 घंटा चैनल चलानी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले जो होते हैं किसी तथ्य के आधार पर तो करेगी सरकार। एसआईटी अपनी जांच दे, प्राथमिक रिपोर्ट आए, प्राथमिक रिपोर्ट आने के बाद सीबीआई की इन्होंने अनुशंसा करी, सीबीआई की अनुशंसा का गृह मंत्रालय में भेजेंगे, गृह मंत्रालय इसको स्वीकार करके सीबीआई को भेजेंगे, सीबीआई इस केस को स्थानीय पुलिस से टेक ओवर करेगा, नई एफआईआर बनाएगा। ये प्रक्रिया आपकी चैनल के 8 घंटों में नहीं होता, आपको टीआरपी के लिए सब करना पड़ता है। हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिवली
एक्शन लेना पड़ता है जो सरकार में बैठे उनको। नहीं, मैं इस पे पॉलिटिकली वरना एक दूसरा कार्यक्रम होगा, पॉलिटिकली डिसएग्री करता हूं, वरना एक दूसरा कार्यक्रम होगा कि इतना हस्टी डिसीजन क्यों लिया। कौन पूछता, मैं कई किससे बता सकता हूं आपको कि इतनी जल्दबाजी में निर्णय क्यों हुआ। उस वक्त क्या चर्चा होती थी, कोई नहीं देखता जी। नहीं, मैं आपको इस पर मैं मतलब विस्तृत तौर से नहीं मगर रिस्पॉन्ड करूंगा, क्योंकि आपने टीआरपी के बारे में बोला कि मैं आपको ये कह दूं कि जो भी हमने की है रिपब्लिक टीवी में, मैं दूसरों की बात नहीं कह सकता और दूसरे मीडिया भी, ये मामला इट इज़ अ इमोशनल इशू फॉर द कंट्री। और मैं मानता हूँ कि जो एक्शन आप लोगों ने लिया वो अच्छा था, लोग कहेंगे दो दिन पहले हो सकता था, बट आई हैव आस्क्ड यू द क्वेश्चन बिकॉज दैट वाज द सेंटिमेंट ऑन द ग्राउंड। और आप भी ये जानते हैं, आप भी मुझे जवाब देने से कोई परहेज नहीं है, मैंने धैर्य से आपके सवाल का जवाब और पूरा प्रोसेस समझाया क्योंकि जनता जान सके, मेरी पार्टी के लिए भी अच्छा है कि ऐसा नहीं है। जिस दिन विवाद हुआ उसी दिन एसआईटी की रचना कर दी एडिशनल डीजी कक्षा के ऑफिसर की अध्यक्षता में। एडिशनल डीजी कक्षा के ऑफिसर ने 18 घंटे में जांच का रिपोर्ट दिया, शाम को 5 बजे रिपोर्ट आई, योगी जी ने रात को 9 बजे सीबीआई का फैसला लिया, दूसरे दिन तुरंत ऑर्डर, अगले दिन रात को इसकी अरेस्ट हुई। अभी योगी जी दलित इशू पर, अमित शाह जी दलित इशू पर 11 लोग कास्ट राइट्स में इस देश में मर गए हैं, उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इज रिमेनिंग साइलेंट एंड ही सेड द प्राइम मिनिस्टर इज रिमेनिंग साइलेंट एज द SC ST एक्ट इज बीइंग रिवोक्ड, उनके रक्त किया जा रहा है, मतलब इसको बिल्कुल अबॉलिश किया जा रहा है। दिस वाज अ ब्लेटेंट लाई। द सुप्रीम कोर्ट कॉल्ड फॉर अ रीलुक ऑफ सर्टेन सेक्शंस, ये टेक्निकल फैक्ट थी। आपने राहुल गांधी को यू कॉल्ड हिम आउट फॉर योर लाई, मुझे याद है यू पुट आउट अ ट्वीट and in your tweet you said lies and only lies. I want you to tell me today, why is the caste issue today suddenly become the subject of focus? You have been quoted as saying, aapne kaha hai BJP has ended dynasty caste and appeasement politics in the country, but has it really ended? There is a feeling that it has only grown more now, especially in the last couple of months. How will you respond to it? Dekhiye, maine jo statement kiya tha ji wo Uttar Pradesh ke chunav ke waqt kiya tha, और उत्तर प्रदेश का जो जनादेश था जी वो साच अर्थ में कास्ट लाइन को समाप्त करने वाला था जी। राजनीति में से वंशवाद जी, तुष्टिकरण जी और जातिवाद, तीनों की समाप्ति उत्तर प्रदेश के आपने जनादेश सितंबर 2017 में की थी स्टेट। मगर उसके बाद एक के बाद एक हर राज्य में जाति के आंदोलन हुए जी। और अब ये कौन सी कंपनी है, मैं नाम भूल गया, अमेरिका की कोई कंपनी इन्होंने किराए पे ली थी, कैम्ब्रिज एनालिटिका। और अब ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं से इंजीनियर्ड हो रहा है। मेरे पास कोई इस तरह के प्रूफ नहीं है कि मैं इरिस्पॉन्सिबल आरोप करना भी नहीं चाहता, मगर एक साथ इतने सारे जाति के आंदोलन होते हैं तो ये कहीं ना कहीं कोई इसको इंजीनियर्ड कर रहा है। डू यू सी अ कंस्पिरेसी? मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ। और जब ये ट्वीट आया तो मैं आमतौर पर कभी ऐसे हार्ड शब्दों का उपयोग नहीं करता हूँ ट्विटर पर, मगर मैंने इसलिए किया था क्योंकि इन्होंने कहा कि SC ST एक्ट को एबोलिश कर दिया है, जबकि सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। बिल्कुल, एक व्यक्ति ने अपील करी, अपील गई सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक या दो दफाओं पर अपना जजमेंट दिया, जिसके खिलाफ सरकार ने रिव्यू पिटीशन फाइल करी है जो अंडर कंसिडरेशन है, इस पर अभी सुनवाई होनी, ओपन कोर्ट में सुनवाई होनी, इसमें कोई भी पार्टी बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सारी सरकार है, इसमें पार्टी बनी है। और कोई जिम्मेदार नेता ऐसा कहता है कि SC ST एक्ट एबोलिश हो गया, प्रधानमंत्री चिक चिक कर कहते हैं कि कभी नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने चिक चिक कर कहा कि हम आरक्षण की व्यवस्था को उसका रक्षण करने वाले, मैंने चिक चिक कर कहा कि ना हम करेंगे ना किसी को करने देंगे, मगर कह रहे बीजेपी आरक्षण समाप्त कर देगी। झूठ बोलने की भी कोई सीमा होती है अर्णव जी, और मैं मानता हूं कि मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि झूठ को एक्सपोज किया जाए। और मैंने इसीलिए उस दिन ट्वीट किया था कि भाई ये जो बात कांग्रेस अध्यक्ष जी बता रहे हैं वो सही नहीं है, एक कोरा झूठ है और कुछ नथिंग एल्स। SC ST एक्ट ही मेंबर पार्लियामेंट, कैसे अबोलिश कोई कर सकता है पार्लियामेंट में आए बगैर? मैं क्या आपको कास्ट पॉलिटिक्स पे वापस पुल किया जा रहा है? 2014 की जो वर्डिक्ट थी, देखिए मैं आपको बताता हूं, आर यू बीइंग पुल्ड बैक इनटू कास्ट पॉलिटिक्स? मैं आपको बताता हूं, अर्णब जी नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद
इस देश के अंदर डेवलपमेंट का एजेंडा सेट करने का निष्ठा से प्रयास किया है। चार साल के अंदर गरीब के यहाँ शौचालय पहुँचे, टॉयलेट पहुँचे, गरीब के यहाँ गैस की बोतल पहुँचे, LPG सिलेंडर पहुँचे, गरीब के यहाँ लाइट पहुँचे, शुद्ध पीने का पानी पहुँचे, उसके बच्चों का टीकाकरण हो जाए इंद्रधनुष योजना के तहत, अब 5 लाख तक का बीमा दिया, किसान को 1.5 गुना सपोर्ट प्राइस देने का योजना भारत सरकार बना रही है, और धीरे 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 कास्ट लाइन डिमोलिश होने लगी थी। मगर भारतीय जनता पार्टी अकेली कास्ट लाइन को डिमोलिश नहीं कर सकती, इसमें मीडिया का सहयोग चाहिए, इसमें ऑपोजिशन का भी सहयोग चाहिए, और इसका इसमें जनता का भी सहयोग चाहिए। अगर हम जितना प्रयास करेंगे कास्ट लाइन को डिमोलिश करने का, कास्टिज्म को इतना कोई उठाया जाएगा तो ऑब्वियसली थोड़ा वापिस तो कास्ट आएगी भी, मगर हमारी लड़ाई इसके खिलाफ बिल्कुल डट कर हम लड़ने वाले हैं। मैं आपको बताता हूँ, अभी कर्नाटक का चुनाव हो रहा है। ना, आई अप्रिशिएट दैट। पहले मैं कहूँ कि आपने जो बोला है, आई थिंक यू गिवन एन ऑनेस्ट रिप्लाई इन द सेंस दैट आप कह रहे हैं कि वी विल हैव टू रिस्पॉन्ड टू इट, बट वी वांट टू चेंज इट इन द लॉन्ग टर्म। हाँ, जरूर, हम इसके खिलाफ हमारी लड़ाई चालू ही है। अभी कर्नाटक का चुनाव है, कर्नाटक के चुनाव के एंड समय पर लिंगायत और वीर शैव को जी अलग रिलीजन बनाने का आप हिंदू इश्यूज को क्यों उठा रहे कर्नाटक में? देखिए, कर्नाटक के बारे में अगर बात कौन सा हिंदू, मैं हाँ बताओ, मैं मुझे पूछिए ना कौन सा हिंदू इश्यू, आप मुझे बोलने दीजिए। हाँ जरूर पूछिए। कर्नाटक इलेक्शन में आपने बीजेपी के कर्नाटक हैंडल जो है, ट्विटर हैंडल, मैं उसको कोट कर रहा हूँ, कह रहे हिंदूज हैव अंडरस्टूड दैट दिस गवर्नमेंट विल नॉट प्रोटेक्ट देम। This is Hindus have understood that this government will not protect them. ये तो polarizing tweet है. Why are you allowing this Hindu-Muslim divide? अब मुझे सुनो। Yes. वहाँ क्या हुआ है उसको भी आपको देखना पड़ेगा। आपकी इस research team ने भी देखना चाहिए, तो वरना ये सवाल नहीं पूछते। वहाँ पर 1.5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 24 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। एक ही organization, एक ही MO के तहत मोटरसाइकिल पर कोई आता है, पल्सर मोटरसाइकिल पर आता है, गला काट कर भाग जाता है, और इसकी जांच नहीं होती है, और SDPI के सामने जितने भी केस हैं वो सारे केस वापिस देने के लिए ये सरकार अनुशंसा करती है। तो पहले ये सुन लीजिए, मैं सुन रहा हूं। तो हम इसको इश्यू भी नहीं बनाएंगे जी। हम इसको इश्यू नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, मगर अगर SDPI इश्यू है, एक मिनट, अगर कर्नाटक में आप कहते हैं ऑन द वन साइड केरला गवर्नमेंट इज रेकमेंडेड टू बैन PFI टू यूनियन गवर्नमेंट, बट सिद्धरमैया फाइंड्स नथिंग रॉन्ग विद द PFI, द अपीजमेंट पॉलिसी इज द बिगेस्ट थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ कर्नाटका एंड इंडिया, दिस इज योर स्टेटमेंट इन कर्नाटका, इफ द PFI इज द रियल प्रॉब्लम, अगर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया रियल प्रॉब्लम है, तो भारतीय जनता पार्टी की NDA सरकार PFI को बैन क्यों नहीं करती है? ये 4 साल से मैटर ड्रैग क्यों हो रहा है? एक सिर्फ पत्र आया है, इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कब के मांगे हैं भारतीय जनता पार्टी की भारत सरकार ने, जो कर्नाटक सरकार की ओर से दिए नहीं जाते, ना केरल सरकार ने दिए। अब अगर भारत सरकार स्टेप इन करती है तो फेडरल स्ट्रक्चर का सवाल आप ही उठाओगे, और हमें करना भी नहीं चाहिए। हम इसको क्लोज मॉनिटर कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि कभी ना कभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भेजने। एक और इशू, लिंगायत की इशू आपने रेज की, तो मैं कर्नाटक के 3-4 इशूज क्लेरिफाई करना चाहता हूं। लेट एवरीबॉडी वॉच दिस। लेट अस कम टू द इशू ऑफ लिंगायत्स। ये सेंटर पॉइंट हो गया है। अमित शाह जी, आपके स्टेटमेंट्स में आप ये स्टेटमेंट भी है, सिद्धरमैया गवर्नमेंट वॉन्ट टू पोलराइज लिंगायत वोट्स बट द कम्युनिटी इज अवेयर ऑफ इट, BJP विल मेक इट स्टैंड्स क्लियर आफ्टर द इलेक्शंस। माय क्वेश्चन टू यू इज, व्हाई आर यू सेइंग आफ्टर द इलेक्शंस? You make it clear before the elections whether they are a minority or not. पहले एक बात समझ लीजिए, लिंगायतों की मांग आज की नहीं है। कुछ 1-4 NGO और कुछ संस्थाएं वर्षों से मांग कर रही हैं। कांग्रेस वहां पर 4.5 साल से सत्ता पर है। मेरा एक सवाल है, क्यों 4.5 साल के बाद लिंगायत इश्यू को एड्रेस किया गया एंड चुनाव के मौके पे? एक मिनट, इलेक्शन के कारण इसलिए। दूसरा, यही प्रपोजल UPA सरकार के सामने 2013 में आया था, और UPA सरकार ने इस सेम प्रपोजल को रिजेक्ट कर वापस भेज दिया।
वही कांग्रेस पार्टी आज ये प्रपोजल लेकर आ रही है, क्योंकि चुनाव को वो पोलराइज करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते चुनाव पोलराइज हो। इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि हम उसका स्टैंड क्लियर करेंगे, मैंने बोला इस पर चर्चा इधर और साइड पर जिसको भी करनी है चुनाव के बाद करनी चाहिए, चुनाव को जातिवाद में नहीं डालना। अच्छा जी, व्हाट इज योर टारगेट? 224 मेंबर कर्नाटक असेंबली, गुजरात में यू हैड मिशन 150, यू डिड नॉट अचीव मिशन 150, बट यू हैव नेवर बीन स्केयर्ड ऑफ पुटिंग अ टारगेट। आई वांट दैट इन दिस इंटरव्यू यू शुड टेल द पीपल व्हाट इज योर मिशन स्टेटमेंट फॉर द बीजेपी इन कर्नाटक। प्लीज डिक्लेयर योर टारगेट। मैं बताऊंगा अर्णव बाबू, उचित समय पर बताऊंगा। अभी तीनों पार्टी की पूरी कैंडिडेट लिस्ट घोषित नहीं हुए जिसके आधार पर नंबर का अंदाज लगाया सके। मैं इतना आपको कह सकता हूं कि हम प्रचंड बहुमत के साथ कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, पूर्ण बहुमत से भी बहुत आगे। मेरा कर्नाटक के हर जिलों का दौरा हुआ है, भयंकर एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस सरकार के खिलाफ है और नरेंद्र मोदी सरकार नीचे तक पहुँची है। नरेंद्र मोदी सरकार का अगर आप कोई सबसे बड़ा अचीवमेंट मुझे पूछना चाहेंगे तो मैं कहूँगा नरेंद्र मोदी सरकार ने गवर्नमेंट नाम की व्यवस्था को लुटियन से बाहर निकालकर गरीब की झोंपड़ी तक पहुँचाया। क्या आपका कोई इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है देवेगौड़ और जेडीएस के साथ? कोई किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग है नहीं है और करने की जरूरत भी नहीं। Nation wants to know with Arnab Goswami, presented by Reliance Jio, powered by the new Volkswagen Passat, Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance, Ravin and Kent Aro. Nation wants to know with Arnab Goswami, presented by Reliance Jio, powered by the new Volkswagen Passat, Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance, Ravin and Kent Aro. National issues par BJP versus all 2019 mein kyun ban rahi hai? मुलायम सिंह यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार, चंद्रबाबू नायडू सब एक साथ होकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। 2019 को क्या आप डिलिबरेटली ऑल वर्सेस मोदी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं? इसके कॉन्टेक्स्ट पर मैं कहना चाहूँगा कि जो आपका बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल रिमार्क था मुंबई के वहाँ पे, जहाँ पे आपने ये सांप, नेवला, कुत्ता, बिल्ली ये सब इकट्ठा होकर ये पार्टीज आए हैं, बाद में आपने क्लेरिफाई किया कि आपने कहा कि सारे पार्टीज विद अपोजिंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज कुड नेवर हैव कम टुगेदर। माय क्वेश्चन इज वन ऑन दैट स्टेटमेंट, सेकंड ए द एनालिसिस ऑफ दैट स्टेटमेंट वाज दैट अमित शाह इज डिलिबरेटली ट्राइंग टू मेक 2019 मोदी वर्सेस ऑल, इज दैट योर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी? देखिए, पहले आपने मेरा पूरा भाषण सुन लीजिएगा, मैंने बाद में क्लेरिफाई नहीं किया। भाषण के पहले हिस्से में मैं ये बोला ही हूं कि जिनका भाषण में ही क्लेरिफाई करा था, मगर मीडिया ने पिछला हिस्सा ही उठाया इसलिए मुझे फिर से क्लेरिफाई करना पड़ा, तो ज्यादा स्पष्टता हो गई। और मैं आज भी क्लेरिफाई करता हूं, मैंने सांप नेवला इसलिए किया कि दो एक साथ में कभी नहीं बैठ सकते, बिल्ली कुत्ता इसलिए कहा कि दो साथ में कभी नहीं बैठ सकते। तो ऑपोजिट विचारधारा के लोग भी जब भय आता है तो इकट्ठा होते हैं, तो नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी के भय से आइडियोलॉजी को भूलकर सारे लोग इकट्ठा हो रहे, ये कहने का मेरा मतलब था। खैर, मैं आपको बताता हूं कि आप जितने नाम बोल रहे अभी इसमें चंद्रबाबू के अलावे सारे हमारे खिलाफ ही थे 2014 में, कोई हमारे साथ नहीं था, सिर्फ चंद्रबाबू जी हमारे साथ थे। चंद्रबाबू जी के अलावे सारे लोग हमारे खिलाफ थे, इसमें कोई बड़ा अंतर नहीं आया है। मगर अब चुनाव नजदीक आए इसलिए इसको हाईलाइट, अभी मैंने एक मैगजीन का टाइटल देखा कि ये सारे इकट्ठा है, तो भी सारे इकट्ठा ही थे पहले। और एक हकीकत है ये कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से चली है, नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी जिस तरह से ग्रास रूट लेवल तक गई है, स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी का चुनावी सफलता में एक्सपांशन हुआ है, हमारे संगठन का भी बहुत बड़ा एक्सपांशन हुआ है। और आज भारतीय राजनीति की एक सशक्त ध्रुव भारतीय जनता पार्टी भारतीय राजनीति का बन चुकी है। क्या आप अकेले जाएंगे 2019 में कि जरा भी नहीं अलायंस के साथ जाएंगे? इस पर मैं चाहता हूं आप क्लियर स्टेटमेंट करें, विल यू गो एज एन अलायंस और विल यू गो अलोन? 2014
2019 के चुनाव में 2014 से ज्यादा साथियों के साथ हम चुनाव में जाएंगे और एनडीए चुनाव में जाएंगे। ज्यादा साथियों के साथ? जी। आपकी बातचीत हो रही है लोगों के साथ? नहीं, बन चुके हैं, आप माइनटली ऑब्जर्व नहीं कर। त्रिपुरा में हमारे साथ एक साथी नया है 2014 से, आसाम में 3 आए हैं, नॉर्थ ईस्ट में 7 आए हैं, ये सारे हमारे साथ। आपके कश्मीर में तो बड़े प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आपके टीडीपी के साथ आपका प्रॉब्लम। जब गठबंधन होता है तो होता ही है प्रॉब्लम, इसका मतलब ये नहीं कि टूट जाएगा। पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, आपने कहा है कि यू आर गोइंग टू मेक अ लार्ज कोलिशन बिफोर द 2019 इलेक्शंस। कैन आई हैव यू ऑन रिकॉर्ड ऑन दैट? आप कह रहे हैं, मैं रिकॉर्ड पर ही बोल रहा हूं सर, यू आर गोइंग टू फॉर्म अ लार्ज। आप एडिट करने वाले हो? नहीं, एडिट नहीं कर रहा मैं कह रहा हूं शिवसेना के साथ। देखिए पॉपुलर परसेप्शन क्या है, पॉपुलर परसेप्शन तो मैं पूछ लूं। अमित शाह जी, देखिए आप टॉकेटिव मूड में हैं, आप टॉकेटिव मूड में होते हैं तो आई शुड आस्क द क्वेश्चंस। शिवसेना के साथ आपके प्रॉब्लम्स है, पीडीपी के साथ आपके प्रॉब्लम्स है, चंद्रबाबू के साथ आपके प्रॉब्लम्स है, अकाली बहुत कुछ नहीं है, तो परसेप्शन है कि ऑल दीज पार्टीज विल ब्रेक अवे, बीजेपी विल बी अलोन, एवरीबडी विल बी ऑन द अदर साइड। एंड ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी को कहा दैट मीन्स सोनिया गांधी 1-1 कॉन्टेस्ट होना चाहिए, ये कोटेड भी था पेपर्स में। चले, उन्होंने क्या कहा इस पर मेरा कोई अख्तियार नहीं है, ना मैं उनको कुछ एडवाइस कर सकता हूँ, ममता जी को या सोनिया जी को। परंतु मैं आपको बताता हूँ कि ये सारे साथी हमारे साथ रहकर हम लड़ने जा रहे हैं, और नीतीश जी नए ऐड हुए हैं, 12 पार्टियाँ छोटी छोटी नई ऐड हुई हैं, और ये सारा मिलकर एनडीके एक मजबूत कुनबा बन रहा है जो 2019 में मोदी जी के नेतृत्व में लड़ने के लिए तैयार है। फाइनली क्लोजिंग में इश्यूज है अनफुलफिल्ड प्रॉमिसेस के, क्या आप इरिटेट नहीं होते? जहां पे आप जाते हैं ट्विटर पे इधर उधर, विजय माल्या नीरव मोदी, द क्वेश्चन इज, एक थी परसेप्शन डिमोनेटाइजेशन ब्लैक मनी जीएसटी की, दैट वाज डिफरेंट। अभी ये परसेप्शन विच इज बीइंग बिल्ट, जब आपकी सरकार बनी तो सूट बूट की पार्टी की ये परसेप्शन बनी इन द फर्स्ट ईयर, देन इट बिकेम एन एंटी फार्मर्स पार्टी, नाउ इन द लास्ट ईयर दिस इज बीइंग रिपीटेड ऑलवेज। Can Amit Shah ensure that the Narendra Modi government brings back Nirav Modi? Can you ensure that you will bring back Vijay Mallya? And if you don't do that, how will you face the people? देखिए अर्णब बाबू, आपके लिए perception हो सकता है नीरव मोदी या विजय माल्या का, भारत की जनता के लिए नहीं हो सकता है। मैं आपको थोड़ा डिटेल बताना चाहूँगा। जिन 3.5 करोड़ महिलाओं के घर में गैस का सिलेंडर पहुँचा है, उसके लिए सरकार का perception धुआं मुक्त घर देने वाली सरकार का है। जिन 19,000 गांवों में 70 साल तक कांग्रेस इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचा सकी, वहां हमने बिजली पहुंचाई है, वो गांवों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का परसेप्शन अंधकार मुक्त गांव बनाने वाली पार्टी का है। जिन 3 करोड़ लोगों को हम सौभाग्य योजना से घर में बिजली पहुंचाएंगे, वो गरीबों के लिए ये अंधकार मुक्त घर देने वाली सरकार का परसेप्शन है। जिस 7.5 करोड़ घरों में हमें शौचालय बनाया है, वो 7.5 करोड़ में स्वच्छ घर देने वाला और महिलाओं को शर्म से बचाने वाली सरकार का परसेप्शन है। जिन सेना के जवानों को 40 साल की डिमांड के बाद भी 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिलती थी, उनको 1 रैंक 1 पेंशन देने के बाद वो सेना के जवानों के लिए ये उनकी सेवाओं की कदर करने वाली सरकार का परसेप्शन बना है। ऐसे 13 करोड़ परिवार में आपको गिना सकता हूँ। और दूसरी बात रही बात विजय माल्या और नीरव मोदी, एक भी लोन भारतीय जनता पार्टी के टेन्योर में नहीं गया है। दूसरा, इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई भी घपला घोटाला नहीं होगा, फ्रॉड नहीं होगा, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। अर्णव भाई, हम इतनी गारंटी ले सकते, वो फ्रॉड में हमारे नेता इन्वॉल्व नहीं है, हमारे नेताओं की छत्र छाया में वो फ्रॉड नहीं हुआ, उनके इन्वॉल्वमेंट से नहीं हुआ। तो एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता नीरव मोदी या तो विजय माल्या के फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, और जनता भी इसको भली भांति जानती है, देश ये जानना चाहेगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि आपने मुझे बोला और आपने बिल्कुल यू यूज दिस फ्रेज धुआं मुक्त अंधकार मुक्त, मैं मानता हूं, मगर क्या जो लोग चाहते हैं धुआं मुक्त अंधकार मुक्त, ये पूछेंगे नहीं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 2G केस में ए राजा का एक्विटल कैसे होने दिया? देखिए, मैंने पहले कह दिया, आप फिर से रिपीट करवाना चाहते हैं तो मैं कर देता हूं, ए राजा का पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमने नहीं किया, ए राजा की चार्जशीट हमारे समय में नहीं हुई, ऑलरेडी कांग्रेस कर गई थी। तीसरी बात, इसके खिलाफ हमने तुरंत ही समय गवाए बगैर विद इन
कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम लिमिट के अंदर हमने अपील फाइल कर दिए और ये अपील अब सुनवाई पे आने वाली। इसके अंदर हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन की भी परमिशन मांगी है और प्रोसिक्यूटर को बदलने की भी परमिशन मांगी है। हमने किसी को नहीं छोड़ा अर्णव बाबू, ना छोड़ने की हमें जरूरत है। 2019 में आखिरी सवाल, हु इज द कंपेटिटर टू नरेंद्र मोदी एज द फेस वन? सेकेंड, इन योर परसेप्शन विल इट बी अ पर्सनैलिटी बैटल? 2019 का पर्सनैलिटी बैटल था। देखिए 2019 की बैटल परफॉर्मेंस, 2014 का पर्सनैलिटी बैटल था, क्या 2019 का बैटल परफॉर्मेंस का बैटल रहेगा? नरेंद्र भाई ने, मैं अभी भी रिपीट करना चाहता हूं आपके इतने सवालों के बाद भी, कि नरेंद्र मोदी ने इस देश की डेमोक्रेसी के अंदर बहुत बड़ा, नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, एनडीए सरकार के प्रधानमंत्री नाते उनका अचीवमेंट है कि इस डेमोक्रेसी को वो जातिवाद, वंशवाद और तुष्टिकरण से मुक्त कर परफॉर्मेंस, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का एरा शुरू करने का यश इतिहास जब भी लिखा जाएगा नरेंद्र मोदी को मिलेगा। और 2019 का चुनाव परफॉर्मेंस पर ही जाने वाला है। इकोनॉमी को हमने सुधारा है, देश की सुरक्षा व्यवस्था को सुधारा है, दुनिया में देश का सम्मान बढ़ाया है, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा सैटेलाइट एक साथ छोड़ने का रिकॉर्ड प्रस्थापित करने का यश भी नरेंद्र मोदी को मिला है। मिशन मंगल का भी, हालांकि वो कंटिन्यूस प्रोसेस था, मगर यश नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हुई है जिसने देश का सोचने का स्केल बदला है। कभी बजट के अंदर ये नहीं कहा जाता कि इतना करेंगे, बजट के अंदर इस देश में इस समस्या से हम मुक्ति पाएंगे। मानो 19,000 गाँव में अंधेरा है तो ये नहीं कहते हम कि 5 साल में हम 19,000 में से 5,000, हम एक भी गांव ऐसा नहीं रहने देंगे जहां अंधेरा है। 115 सबसे पिछड़े जिलों को नरेंद्र मोदी सरकार ने आइडेंटिफाई कर, नरेंद्र मोदी जी खुद वीडियो कॉन्फ्रेंस से ये 115 कलेक्टरों के साथ बातचीत कर रहे हैं। अब सबसे पिछड़े 115 जिले अगर सबसे आगे वाले 115 जिलों के साथ मैच होते हैं तो मैं मानता हूं अर्णब बाबू के विकास का बहुत बड़ा परकोलेशन, जहां विकास नहीं पहुंचा है इस प्रकार की जगह पे पहुंचेगा। और सात अर्थ में डेमोक्रेसी में नरेंद्र भाई ने सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशक विकास का एक मॉडल लोगों के सामने रखने का सफल प्रयास किया है। और मैं बहुत बचपन से चुनावी राजनीति और सरकारों के एडमिनिस्ट्रेशन के आंकड़ों का विद्यार्थी हूँ। बहुत छोटी उम्र से, 13-14 साल से डिटेल अभ्यास करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी सरकार इस समय पर आई है जब देश की जनता ये आशा खो बैठी थी कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम देश के अंदर वेलफेयर स्टेट बनाने में सफल होगी या नहीं होगी। उस वक्त 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आई और आज किसी के मन में आशंका नहीं है कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम ये देश को आगे बढ़ा सकती है, इस देश को दुनिया के प्रमुख देशों में स्थान दिला सकती है। इसमें किसी को अब दो राय नहीं है। इतना बड़ा परसेप्शन का चेंज नरेंद्र मोदी सरकार के तहत है। और मुझे तो क्लियरली लग रहा है यू आर इन मिशन मोड फॉर 2019। और मैं ये कह दूं एट द एंड दैट दिस इंटरव्यू व्यूअर्स इज बीइंग रिकॉर्डेड एट मिडनाइट इन द बीजेपी पार्टी हेडक्वार्टर्स। सो आई विल हैव टू आस्क माय लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आवर्स डू यू वर्क एंड व्हेन डू यू फिनिश योर डे? देखिए मैं घड़ी देखकर काम नहीं करता, काम की सूची देखकर काम करता हूं। जब समाप्त होता है सो जाता हूं। अमित शाह जी, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड थैंक यू फॉर आंसरिंग माय क्वेश्चंस एज ओपनली एज पॉसिबल। Thank you, I appreciate it. बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Thank you, जी। Thank you. Nation wants to know with Arnab Goswami, presented by Reliance Jio, powered by the new Volkswagen Passat, Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance, Ravin and Kent Aro.